सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना लेकर आई हूँ, और इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत। दोस्तों, एक संत थे जिनका नाम था श्यामदास जी। श्यामदास जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और हर समय बस राम 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 इसी तरीके का जप करते रहते थे। पर वो राम नाम का जप करते हुए एक जंगल से गुजरे। विरक्त होने के कारण महात्मा जगह जगह देशातन करते रहते थे, यानी कि कभी एक जगह कभी एक जगह। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते। ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख पे राम नाम चलता ही रहता था। श्यामदास जी एक बार जंगल में मार्ग भूल गए और अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। कहते जा रहे थे, जहाँ राम ले चलेंगे वहीं चलेंगे। बहुत दूर अंधेरे के बीच दीपक से प्रकाशित हो रहे थे। महात्मा जी को लगा कि शायद कोई उस तरफ बस्ती है और वो उसी दिशा में चलने लगे। पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बट ब्रज के नीचे बहुत सारे गाने बजाने की महफिल सजी हुई है। नाच कूद हो रहा है, शराब पी जा रही है, कई स्त्रियां और पुरुष साथ साथ नाच कूद रहे हैं, औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें तुरंत महसूस हो गया कि ये इंसान नहीं, प्रेतात्माएं हैं, यानी कि भूत प्रेत है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अरे मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ और भी भूत प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा कि तुम इस तरफ क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, क्या इस बात का तुमने विचार नहीं किया? और तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? मुझे एक मौत से डर नहीं। जिसे जीने का मोह होता है उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है, जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो ही नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप कोई प्रेतात्मा हैं। तुम जानते हो कि लोग हमारे नाम से कांपते हैं? महात्मा ने फिर कहा, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, यानी कि मृत्युतुल्य हैं, तो हम भी तुमसे कम नहीं। यदि जिंदा मानो तो आप हमें मार नहीं सकते, जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा की निडरता देखकर प्रेत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनकर मर जाने वाले मनुष्य इतनी निर्भयता से मुझसे बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य में कोई ना कोई तो खास बात होगी। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, किस बात का आनंद उत्सव मना रहे हो? प्रेतराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इकलौती कन्या को योगपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है, इसलिए हम ये उत्सव मना रहे हैं। महात्मा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा जमाई? मैं उसे देखना चाहता हूँ। इच्छा और मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो हमारे दामाद जी जीवित हैं, प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुए। वो इस जंगल के किनारे एक गाँव के श्रीमंत का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है और कल शाम उसकी मौत होने वाली है। फिर उसकी शादी मैं अपनी कन्या से कराऊंगा, इसलिए रात भर गीत नृत्य और शराब हम सब लोग पीकर आनंद मना रहे हैं। श्यामदास जी जब वहाँ से विदा होकर श्री नाम का अजपा कर रहे थे और जंगल के रास्ते किनारे गांव पर पहुँचे, तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकल चंद एक वर्ष से बीमार है, बहुत उपचार किया पर उसका रोग ठीक ही नहीं होता। महात्मा नवलसा सेठ के घर पहुँचे। साकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियाँ थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखाई दी। के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। महात्मा ने कहा, क्यों साकल चंद, अब तो ठीक हो? साकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और रो पड़ा। बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं, मैंने बहुत पाप किया है, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और उसे जोर जोर से खांसी आने लगी।
संत ने कहा, बेटा निराश मत हो, भगवान राम पतित पावन है, तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोक कर श्री राम नाम के जप को धारण करो। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य सतकोटिम प्रविस्तरम, अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण पाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ढलते साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म में सोने से जुड़ी हुई औषधियाँ दी गईं, किंतु अंतिम समय आ चुका था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा सा आगे छुपकर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम नाम बोलते ही उसके प्राण उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम फिर ढल चुकी थी। फिर वे मध्यराती उसी जंगल में गए जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था और उसी बट वृक्ष के पास पहुंच गए। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज नाच गाना शराब कुछ नहीं था, चारों तरफ दुख था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज कल तो बड़ा आनंद मना रहे थे, आज शोक से क्यों डूबे हुए हो, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं कि हमारा सत्यानाश हो गया, हमारी बेटी की जो शादी होने वाली थी अब वो कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने कहा, प्रेतराज तुम्हारा जमाई तो आज मर गया और प्रेतयोनि को प्राप्त हो गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह जाएगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, मुझे समझ नहीं आता, क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले के कान में जो राम नाम कहलवाया उससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी सोचने लगे, सिर्फ एक बार राम नाम का जाप करने से प्रेत योनि से मुक्ति हो गई, आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम का जप करता है वो कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी के आंसू बहने लगे और वो उसी समय समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। सूरज की सुनहरी किरणें उस बट वृक्ष पर पड़ रही थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। दोस्तों, ये होता है राम नाम का प्रताप। और अगर आप नहीं जपते राम नाम तो आज ही से राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए, ऐसी ही सुंदर सच्ची घटनाओं सत्य घटनाओं को आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।